दुनिया में बड़ नाम कमाया वो अनार कली और सलीम ने, पर धर्म का नाम पर ठोकर वो बाबा राम रही बड़ो ढोली निकलो पाखंडी और एक जनता ने एतवार करो और कानून का हाथा लगी गो तो ने डेरा को बुतिली तार करो अत्याचारी कर रही बाबा और जमाना से भी निडरते थे और गुंडा का अंदर ले जाने में बिचारे लड़की ने सीखे तो करते थे पाप तो बड़ो भर गयो तो बाबा की पोल भी खुली गई और सीबीआई ने की जांच करी तो असलियत सामने मिली गई। 25 तारीख को बुलाया कोर्ट में, अरे 25 तारीख को बुलाया कोर्ट में तो कह की थारी नीयत जैसी की वैसी छे और माफ तो कह कर ही सकते क्योंकि बाबा राम नहीं तू दोषी लो चार्जर का गाना गावा अरे लो चार्जर का गाना गावा और नियत मधियों की धोती थी और पल पल की खबर न जाने सुनौती की हनी थी तो एक ही बेटी थी। सेना को उनकी भनक लगी गई पुलिस वाला ने कहा सेना को उनकी भनक लगी गई तो कोई की दाल न कुछ पाओ थे जल्दी से बेटा का रेस तकरियो ने तो अपना भारत देश का छोरी न भागना वाओ थे जल्दी से अगर रेस्ट करी लेने तो अपना भारत देश पर छोड़ी में भर ना रहो छे योजना बने कि बने रही गई ताकि खत्म राम रहीम तारो खेल उसे और मजीद के ग्रह का सजा सुने कि तू का कि 20 साल की जेल उसे तो रोना लगाने लगा का खंडी ताकि मारी सजा को कोई हल नहीं है तो मजीद के ताई रोना दबाना लगे पाखंडी है कि मारी सजा को कोई हल नहीं आई तो मजीद कहते कि तूने काम इतना घटिया करी आज की माफ करना को कोई ही सवाल नहीं आई तो पहले भारत पुलिस ने कर ली थी 376 को 10 साल की सजा और 511 को 10 साल की सजा आज 20 साल की सजा सुनाई होगी की पहली धारा न बात मिली की 511 माफ करो अरे 376 दिल्ली की पहली धारा न बात मिली की 511 छोड़ी दो मत पाला गुंज हो तुम्हारा
को मजिस्ट्रेट ने सजा दी थी। तीन सौ छिहत्तर की लिखी जो पहली बार